तो गाइज क्या आप जानना चाहते हैं सैमसंग शॉप जो एप्लीकेशन है उस पर आप एक छोटा सा अकाउंट कैसे बना सकते हैं फ़ोन नंबर मेल आईडी किसी भी चीज़ से। आज के वीडियो में आपको छोटा प्रोसेस और फुल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो सैमसंग शॉप एप्लीकेशन को जो है आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर लिख रहा है मेंबर कम फर्स्ट और यहाँ पर लिख रहा है लॉग इन टू बिकम ए मेंबर। तो मेंबर वगैरह बनने के लिए आपको लॉग इन करना है या फिर जो है आपको लॉग इन विद सैमसंग अकाउंट। तो आपको गाइज जो है यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह आपको डाल देना है। तो चलिए हम डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं अकाउंट मेरा बन पाता है या फिर नहीं। मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं फ़ोन नंबर की जगह जो है OTP डाला हूँ। OTP डालने के बाद रिक्वेस्ट OTP पे हम क्लिक करेंगे और आपके मेल आईडी पे एक OTP जाएगी। OTP जो है वैलिड 10 मिनट का टाइम है। तो चलिए हम OTP ले लेते हैं अपने मेल आईडी को ओपन करके। गाइस OTP तो आ चुका है तो चलिए हम डाल देते हैं। और यहाँ पर जो है एक मिनट वेरीफिकेशन के लिए जो है आपको मोबाइल नंबर मांग रहा है आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं डाल देता हूँ 48348। ओके और यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करते हैं। आप फ़ोन नंबर पे आपकी OTP आएगा तो चलिए हम OTP डाल देते हैं। उसके बाद गए जो है यहाँ पर लिख रहा है व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ योर विजिट टुडे। तो आप यहाँ पर इसको जो है सेलेक्ट ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। और लिख रहा है व्हाट आर योर इंटरेस्ट परचेसिंग टुडे, तो स्किप भी कर दीजिए आप यहाँ से। उसके बाद गए जो है आप यहाँ पर जो भी अलाउ वगैरह करने को मांग रहा है ये आप अलाउ कर दीजिए। तो आप यहां से सैमसंग की कोई भी प्रोडक्ट के बारे में चेक कर सकते हैं, फ़ोन से लेके कुछ भी सैमसंग कंपनी के सभी चीज़ें आपको यहां पर देखने को यह मिल जाएंगी।